स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल केएम फार्मा ऑल अबाउट योर हेल्थ में, जहां मिलती है आपको दवाओं के संबंध में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स होता क्या है, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, और इसके अलावा प्लेटलेट्स की कमी से या प्लेटलेट्स की अधिकता से हमारे शरीर को क्या हानियां हो सकती हैं। तो दोस्तों प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में या खून में पाया जाने वाला एक प्रोटीन सेल होता है, जिसकी कमी से हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून बहने की जो क्षमता होती है वह बढ़ जाती है, यानी खून का रिसाव ज्यादा हो जाता है, जिससे कि किसी जगह पे अगर कहीं पे कट गया तो वहां पे थक्का नहीं जमता है, जिसकी वजह से खून लगातार बहता रहता है, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और हम अब बात करेंगे कि प्लेटलेट्स कहाँ पे बनता है। तो दोस्तों प्लेटलेट्स जो होता है वह बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में बनता है, और यह ब्लड के अंदर पाया जाता है। प्लेटलेट्स केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों के ब्लड में ही पाया जाता है, और जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होता है वह मनुष्य तथा स्तनधारी जिसको मैमल्स बोलते हैं उनके ब्लड में ही पाया जाता है, इनके सेल में केंद्रक नहीं होता है, केवल डीएनए होता है। और जो प्लेटलेट्स होता है उनका निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वह सिर्फ 3 से 5 दिन का होता है, और इसके बाद ये स्वतः नष्ट हो जाते हैं। और प्लेटलेट्स की मृत्यु जो होती है वह स्प्लीन में होती है। और अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करते हैं ब्लड में जो प्लेटलेट्स होता है उसका कार्य क्या होता है। तो प्लेटलेट्स का जो मुख्य कार्य होता है वह शरीर में उपस्थित हार्मोन या प्रोटीन को उपलब्ध कराना होता है, और खून को या ब्लड को थक्का बनने में मदद करना होता है। और जब ब्लड वेसल्स को नुकसान हो जाता है या ब्लड वेसल को नुकसान करने की स्थिति में ब्लड वेसल नुकसान हो जाता है या कहीं पे कट जाती है, चोट लग जाता है, तो ऐसे में प्लेटलेट्स और कोलाजन नामक द्रव्य निकलता है, जिससे प्लेटलेट्स मिल करके उसको वहां पे थक्का बन जाता है, जिससे कि जिसको हम बोलते हैं पपड़ी बन जाती है, चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, जिससे कि वहां पे थक्का बन जाता है और वह ठीक हो जाता है, जिससे खून निकलना बंद हो जाता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों प्लेटलेट्स की संख्या जब सामान्य से नीचे आ जाती है तो ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है, चिकुनगुनिया हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, और डेंगू ज्वर हो जाता है, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। प्लेटलेट्स जो होता है वह हमारे बॉडी में 1.5 लाख से लेकर के 4 से 5 लाख तक होता है। अगर 1.5 लाख से कम है तो फिर मान के चलिए कि हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स कम होने लगा है। दोस्तों अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की अधिकता हो जाती है तो ऐसे में क्या हो सकता है। तो अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की अधिकतम मात्रा हो जाती है तो ऐसे में हमारे शरीर में खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है, जिससे कि हृदयाघात या हार्ट अटैक हो सकता है। दोस्तों आजकल देखा गया है कि मच्छर काटने से या किसी भी वजह से बहुत ज्यादा डेंगू की शिकायत या प्लेटलेट्स की कमी आ रही है लोगों में। तो ऐसे में बहुत जल्दी प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों अगर दवा का यूज किया जाए तो बहुत सारी दवाएं आती हैं प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए, जैसे सीबी काउंट टेबलेट हो गया, सीबी काउंट सिरप हो गया, प्लेट ग्रोथ सिरप और टैबलेट हो गया। इसके अलावा हिमालय का प्लेटेंजा सिरप आता है, प्लेटेंजा टैबलेट आता है, और ऐसे ही बहुत सारी कैरिका पपाया यानी पपीते से बनी हुई टैबलेट्स आती हैं, और बहुत सारे चीज़ें आती हैं जिससे कि आप बढ़ा सकते हैं, और गिलोय का यूज कर सकते हैं आप। उसके अलावा व्हीट ग्रास या गेहूं का जो ज्वार होता है उसको आप आधी मात्रा में यानी जड़ से ऊपर से काट करके उसको पीने से भी प्लेटलेट्स बढ़ जाता है। घृत कुमारी या एलोवेरा को आप पी सकते हैं, अंदर का जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है उसको आप पी सकते हैं, और नीम की पत्ती भी पी सकते हैं। और अगर बहुत जल्द ही प्लेटलेट्स आपको बढ़ाना है तो आप कीवी फल भी खा सकते हैं, और एक नया जो होता है अगर आप पपीते के पत्ते को नहीं पी सकते हैं, बहुत ज्यादा कड़वा लगता है पपीता का पत्ता पीने में तो या चबाने में, तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं, पपीता का आधा पत्ता आप
पानी में डाल दीजिए किसी कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में। उसके बाद में उसमें 10 से 20 पत्ता आप तुलसी का डाल सकते हैं और उसके साथ में 2-4 लौंग, और उसको आधे घंटे तक गर्म कीजिए। पानी जब आधा रह जाए तो उसको सुबह दोपहर शाम एक एक ग्लास पीजिए। इससे भी प्लेटलेट्स बहुत तेजी से ग्रोथ होता है, और जंक फूड जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। और दोस्तों ये जो जानकारी है यह सिर्फ सामान्य ज्ञान के लिए है, अगर आपको ज्यादा समस्या हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसके बाद में ही मेडिसिन लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं संजय कुमार वर्मा, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ।